अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है बेसन का और अंडे का हलवा। बहुत ही मज़े की बड़ी यूनिक रेसिपी है, हमारे फैमिली फेवरेट रेसिपी है। सर्दियों में बहुत बनता है, आज भी मौसम ठंडा था, मीठे की क्रेविंग थी तो सोचा कि बना के खाया जाए। ज़रूर अपनी ये ट्राई ज़रूर करें, आपको अच्छा लगेगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी तो बेसन का हलवा बनाने लगी हूँ, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने तकरीबन 1 कप भर के लिया है घी, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेगुलर घी लिया है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन भी ऐड करूँगी भूनते हुए, और 4-5 मैंने ये इलायची ले ली है। इसको ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर 2 कप मैंने लिया है बेसन वो डाल दें, 1 कप चीनी और 1.5 कप के करीब दूध है। दूध जैसे ही गर्म होगा मैं चीनी इसमें डाल के और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दूंगी, और 4 अंडे लिए हैं। और बस ये 3-4 इंग्रेडिएंट से आपका मज़ेदार हलवा तैयार हो जाएगा और बड़ी जल्दी बन जाता है। कभी कभी अचानक दिल करता है कि कोई मीठा खाओ, क्रेविंग ऐसी होती है, तो आप फटाफट ये हलवा बनाएं और खाएं। बच्चों के लिए तो वैसे भी ये बहुत अच्छा है हलवा, उनके ब्रेन के लिए भी, और आगे सर्दियों में तो ज़रूर बच्चों को बना के दें देसी घी और मक्खन डाल के। ये देखिए अब ऑलमोस्ट हमारा ये मिक्स हो गया है, घी मेल्ट हो गया। अब ये मैंने बेसन जो है 2 कप ये ऐड कर इसके अंदर, इसको मैं भूनती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। आइडिया तो आप लोगों को भी होगा, माशाल्लाह हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अच्छी कुकिंग करता है, तो ये कि इसको 10 मिनट तो लगेंगे। अभी मेरी जो इसका फ्लेम है वो हाई मैंने रखा हुआ है, तो थोड़ी देर में मैं इसको मीडियम फ्लेम पे करूँगी ताकि ये जले ना और आराम से भुना जाए। थोड़ा सा येलो कलर ऐड करने लगी हूँ इसमें, उससे ये कि ज़रा कलर अच्छा आ जाता है हलवे का। और दूसरी तरफ ये हमारा बन रहा है, इसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 2 कप ही घी डाला है मैंने। 1 कप स्टार्ट में डाला था, फिर आधा बाद में डाला है, आधा फिर मैंने डाला है। मैं देखें अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा मेल्ट हो रहा है, क्योंकि बेसन में ना हमेशा ये घी ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। ये आके सर्दियों में भी जो है ना बड़ा मज़े का लगता है, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा ये बनता था सर्दियों में। मेरे अब्बू को बहुत शौक़ होता था मीठे का, तो वो बहुत बनवाते थे। तो आज इधर भी ज़रा मौसम ठंडा ठंडा है, तो मैंने सोचा कि चलो मीठे की भी क्रेविंग थी तो हलवा बना लूँ। दूध हमारा गर्म हो गया, इसको बिल्कुल हमने बॉयल नहीं करना, और ये मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बस इतनी देर पकाना है कि बस वो चीनी मेल्ट हो गया बस। देखिए बेसन अच्छी तरह से भून गया है, बस आपने चम्मच इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, उससे फिर टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। और अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करने लगी हूँ जिसमें हमने चीनी मिक्स की थी। आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा, कुछ लोगों को मीठा अच्छा लगता है तो वो क्वान्टिटी रखते हैं ऐसे कि जैसे जितना बेसन है उतनी चीनी, तो मैंने 1.5 पाइपिंग ली है चीनी। चलें जी देखें बेसन भून गया, अब आराम से आपने दूध डालना है कि आपके छींटे ना पड़े। और दूध डालते साथ ही आपने इसको अच्छी तरह चम्मच इसका हिलाते जाना है। ये देखें अब ये ऐसे इसको होना चाहिए कि ये बिल्कुल अंदर, वो जब आप चम्मच मारें तो जो पैन है उसकी आपको साइड से सारी वॉल्स क्लियर नज़र आएँ। और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा बटर, 3 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करूँगी, और ये जो मैंने अंडे डाले हुए हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे और चम्मच हिला देंगे।
बेसन अंडे का हलवा तैयार है। आपने बटर डालना है, डालना है, नहीं डालना आपकी मर्जी है। और अपना इसका फ्लेम हाई करके बस 2 मिनट इसको हिलाएं। ये देखें, ये ऐसे बनेगा हलवा और पड़ा पड़ा और ड्राई होता जाएगा और बड़ा मज़े का लगता है। और ठंडा खाएं फ्रिज का तो गर्म चाय के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ हलवे को, और आपको दिखाते हैं। मैंने अपना ये हलवा रेडी कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाएँ और मुझे ज़रूर फीडबैक दें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थोड़ा सा ये खोया भी इसके ऊपर डालूँगी। और इस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।